शैलेश पांडे। अगर फिल्म की बात करें, कौन सी फिल्म है एक, हाँ अगर फिल्म की बात करें, क्या फिल्म का नाम है, खूब चला है, इसके बारे में बताएंगे आप? फिल्म का नाम लाल दुपट्टे वाली है, एक भोजपुरी लव स्टोरी एक्शन फिल्म है। इसमें कास्टिंग की बात करें, कौन कौन है? कास्टिंग में अंजना सिंह है, रोहित सिंह को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुणाल सिंह है, संजय पांडे है, अयाज खान है, बंदनी मिश्रा है, सोनिया मिश्रा है, सीमा सिंह है, संभावना सेठ का आइटम है, ये कास्टिंग है। फिल्म की स्टोरी क्या, एक लाइन में अगर बात करें? फिल्म की स्टोरी ये है कि एक आम घर के लड़के को एक ठाकुर की लड़की से प्यार हो जाता है। ठाकुर बहुत दबंग है और वो नहीं चाहते कि मतलब उनकी लड़की किसी ऐसे आम घर के लड़के से प्यार करे, और फिर दोनों डिसीजन लेते हैं और घर से भाग जाते हैं। तो घर से भागने के बाद जो सारी कठिनाइयाँ उनको होती है अपने प्यार को हासिल करने में, ये एक स्टोरी है लाल दुपट्टे वाली की। टाइटल की बात करें, टाइटल कहाँ से मेल खाता है? टाइटल तो आजकल देखिए, टाइटल मेल खाता मतलब लड़की जिस भागती है जिसमें, और जहाँ से सारी तकलीफ उसको मिलती है, तो वो उस वक्त उसने वही पहना हुआ है, लाल दुपट्टा पहना हुआ है, वाइट सूट और ऐसा, तो उस हिसाब से उसको लाल दुपट्टे वाली रखा गया। आज के अगर सॉन्ग पे गाने की बात करें, क्या डिटेल है? आज का गाना फिल्म में पहला गाना है जो बहुत ही मतलब जब दोनों को पहली बार प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं, उसके बाद का ये गाना है। और ये गाना मतलब बहुत ही अच्छा, और इसको हमने एक भोजपुरी में नया एक आयाम देने की कोशिश की है, एक नए मतलब हिसाब से हमने इसको शूट किया है। बॉम्बे की गर्मी अजीब ही होती है ना। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कल रात को 12 बजे तक हमारा शूट हुआ। लेग्स पे पहन मत करिएगा, बिकॉज सब गंदे हैं, नहीं नहीं बाहर वहाँ धूल वगैरह है। इसके लिए ठीक है ना बॉम्बे? और कैसा है ना कि धूप है, रेत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अंजना सिंह के देखे वाले सभी दर्शकन के प्यार भरा नमस्कार। घूम थोड़ा नीचे करना। अंजना, अगर बात करें आज कि लुक की, कौन सी फिल्म के लिए गाना फिल्माया जा रहा है, क्या काफी डांस पोजीशन में है, बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी जी, हमारी जो मूवी जिसका शूट चल रहा है उसका नाम है लाल दुपट्टे वाली, और बहुत कलरफुल गाना है ये, एक रोमांटिक गाना है, ड्यूट गाना है। इसमें आप देख रहे हैं जो मेरा जो गेटअप है, ये मैंने श्रीदेवी जी का लिया हुआ है, जो उन्होंने हिम्मत वाला में कैरी किया था, जो उनका लुक था, कोशिश की है कि थोड़ा बहुत उनके जैसे कुछ हम बना लें अपने आप को, तो बस उम्मीद है कि कुछ कुछ लग रहा होगा, कुछ फील आए श्री देवी जी का। और गाना भी हमारा कुछ हरी हरी चूड़ियाँ एंड बीच के किनारे हो रहा है, ढेर सारी बैंगल्स हैं, ब्लास्टिंग्स है, कलर ब्लास्टिंग्स हैं, और मटके भी हैं, ढेर सारे हमारे डांसर्स भाई लोग भी हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा गाना हो रहा है। अगर बात करें कितनी तैयारी की आपके इसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी हीरोइन का लुक है जो आपने लिया है, कहने के दिल में वनी ऐसे नहीं ऐसे करते थे कुछ हाव भाव? आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे जब पता चला कि आम्रपाली लुक दे रहे हैं तो कुछ नहीं याद आया, सीधे जितेंद्र और श्रीदेवी जी का वो तोहफा वाला गाना याद आया। उसको मैंने यूट्यूब पे आते आते कम से कम नहीं 10 बार देखा, तो उन्होंने भी रेड कलर का, श्रीदेवी, इत्तेफाक है कि मुझे भी रेड कॉस्ट्यूम मिला है, उन्होंने भी रेड पहना हुआ था, तो मैंने थोड़ा बहुत क्या पूरा ही कॉपी किया, 90% मैंने श्रीदेवी जी को कॉपी करके ये गेटअप लिया। कितना मुश्किल था, एक वेस्टर्न लड़की है अंजना सिंह, वेस्टर्न लुक में रहने वाली, जींस शर्ट में रहने वाली, जी जी जी, कितना कंफर्टेबल था आपके लिए ये? कंफर्टेबल तो फर्स्ट टाइम मैंने ये लुक कैरी किया है, और एक आर्टिस्ट के लिए जितने चेंजेस, जितने वेरिएशन वो दे सकते हैं, जितने डिफरेंट लुक्स में हम दर्शकों के सामने आ सकते हैं, ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। तो मुझे मौका मिला कि मैं कुछ ऐसा गेटअप में अपनी दर्शकों के सामने आऊं,
तो काफी खुशी है इस चीज की। इस फिल्म की बात करें, आपके साथ आप लीड रोल में हैं, आपके जी, साथ सह कलाकार कौन है अगर बात करें? जी, मेरे जो को आर्टिस्ट हैं उनका नाम है रोहित सिंह, ये उनकी फर्स्ट मूवी है और अच्छा कर रहे हैं वो। लेकिन आप अभी नए नहीं हैं, आप पुराने हो चुके हैं, जी जी, आपके साथ में वो नए हैं, तो कैसी केमिस्ट्री है दोनों की? देखिए, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भले ही पुरानी हो गई हूँ या लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी सारी मूवीज़ कर ली हैं, बट ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब कहते हैं कि आज भी जब मैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए जाती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरा पहला प्रोजेक्ट है, नया है, कैसे लोग होंगे, कैसे डायरेक्टर होगा, तो मैं अंदर से आज भी डरी रहती हूँ जब मैं किसी नए अपने प्रोजेक्ट के लिए जाती हूँ। तो मैं आज भी है, मैं खड़ी रहती हूँ जब तक मास्टर जी बोलते नहीं हैं, बोले नहीं बोले मैं सेट पे खड़ी रहती हूँ, आज भी वैसा ही है मेरे साथ और ऐसा ही रखूँगी। तो जो मेरे को आर्टिस्ट हैं उनके साथ नो डाउट उनकी फर्स्ट मूवी है, बट हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, एक अच्छी केमिस्ट्री है, लोगों को कुछ एक नया कपल मिलेगा देखने के लिए। बात करें इस फिल्म की, स्टोरी क्या है, आपका क्या किरदार है इस मूवी में? जो मेरा किरदार है, परिणीति जी ने किया था, उससे कहीं बहुत मिलता जुलता है स्टार्टिंग में, जो उनकी मूवी आई थी इश्कज़ादे, बहुत ही बोल्ड और गोलियां चलाने वाली। मेरा इंट्रोडक्शन ही दिखाया है कि भरे गांव में मैं गोलियां चलाती हूँ, और फिर ऑब्वियसली लड़की हूँ तो प्यार होना ही है, प्यार हो गया, और फिर अपने प्यार के लिए वही कैरेक्टर को बिल्डअप रखती हूँ कि प्यार हो गया, अभी माँ बाप भी या कुछ मेरे भाई भी सामने आएंगे तो मुझे किसी का देखना नहीं है, प्यार हो गया तो मतलब उसी से शादी करनी है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने अंजना सिंह को जो प्यार, जो सम्मान और जो इज्जत दी है, वही हमेशा देते रहिएगा, और आने वाली मेरी सारी मूवीज़ को वैसे ही पसंद करिएगा जैसे आज तक पसंद करते आए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार करूंगा आप सबको। दादा, अगर बात करें आज क्या सीन चल रहा है, अगर बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, इस पिक्चर का ये गाना बहुत ज़बरदस्त गाना है, और ये गाना बहुत पुरानी चीज़ें याद दिलाती है, जितेंद्र श्रीदेवी, माधुरी, अनिल कपूर, और अभी अजय देवगन का साथ था, हिम्मत वाला, उस टाइप का गाना है। लड़का ड्रीम में चला जाता है और अपनी हीरोइन के साथ अपने आप को पाता है, ये सिचुएशन ही है, उसी का गाना कर रहा हूँ। आज मेरे पास है रोहित जी हैं, जो खुद भी प्रोड्यूसर हैं और हीरो भी हैं, और साथ में अंजना सिंह। अंजना सिंह तो बहुत ही अच्छी करती है, बहुत प्यारी बच्ची है। और गाना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है आपके लिए कि हिम्मत वाला को लेकर जितेंद्र की, आपने क्या इसके लिए खास तैयारियां की? गुरु लोग तो गुरु ही होते हैं ना, हम तो अभी उनके बच्चे हैं। कोशिश किया है थोड़ा सा उनमें कलर डालने के लिए, थोड़ा अटके मटके सब सजावट किया है, और प्रोड्यूसर ने हमें ये अपना अक्षा बीज दिया है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ा है उनके लिए, क्योंकि आजकल यहाँ परमिशन देते नहीं शूट के लिए, बहुत सालों के बाद मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। वो मोमेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं जो कि श्रीदेवी, माधुरी जी तीन लोग ही कर सकते थे, लेकिन आज अंजना सिंह ने किया है, बहुत अच्छे तरह से किया है। गाना है, लव गाना है, रोमांटिक सॉन्ग है, लड़की की तारीफ हो रहा है, तुम्हारे कमर में करदनी खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे पैर में पहल है, और तुम मेरे दिल में हो, मेरे दिल के मकान में हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, बस इस तरह है। नहीं, मुश्किल तो नहीं था, हीरो हमारा नया है, लेकिन नए के बावजूद भी उस बेचारे ने कोशिश बहुत किया और कर रहा है अच्छे से। डांसर की रिक्वायरमेंट क्या थी, ड्रेस को, की कोड
की अगर बात करें। हाँ, मैंने गाना सुना तो मुझे लगा था ड्रीम में तो हम जा सकते हैं, एक एक लड़का आम लड़का अपनी हीरोइन को परी भी देख सकती है, घर के दुल्हन भी देख सकती है और घुमाने भी ले जा सकता है, तो उस हिसाब से मैंने कुछ अमरपाली कुछ ड्रेसेस चेंज किया इसमें। अरे एक मिनट कॉपी तो मेरे पास ही है। हाँ, खाली रहल मोरे दिल के मकनवा, बिन तोहरे मोरी सजनी रे, तुम्हारे बिना मेरा कुछ, मेरे घर का मकान एकदम अलग है। और फिर लड़की बोलती है, सुना रहल मोरे मन के अंगनवा, बिन तोहरे मोरे सजनवा हो, ये है। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मैं इसका संगीतकार हूँ, ओम झा। संगीतकार हूँ मैं। इसमें हमने टोटल 8 गाने बनाए हैं, सारे गाने अच्छे बन पड़े। ये रोमांटिक गाना जिसकी शूटिंग आज चल रही है आप देखेंगे, ये ड्यूट गाना है अंजना जी और रोहित जी पे है, पिक्चर सब कानून दाने किया है, बहुत अच्छा हो रहा है, सुंदर लग रहा है। इसमें काफ़ी पुराने सिंगर मैंने यूज़ किए, जैसे शबीर कुमार ने गाने गाए हैं, इंदु सोनाली ने गाने गाए हैं, सौरभ ने गाए हैं, मैंने भी गाए हैं कुछ गाने, ऐसे सब मिला के एक अच्छा सा एल्बम बनाने की कोशिश की है। हिम्मत वाला की हल्की सी लुक दी गई, उसके लिए क्या आपने रखा? मैंने रखा कोशिश की कि थोड़ा कुछ तो लुक आए और लोगों को वो ज़माना याद आए, और बखूबी ये दोनों निभा रहे हैं, हमारे डांस डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा किया है, शायद आप लोग इन्जॉय करेंगे मुझे ऐसा लगता है। ओके सर, सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित, अगर अपना इंट्रोडक्शन दे फिल्म के लिए, क्या इसमें किरदार है आपका? ये सर मेरी पहली फिल्म है और इसमें एज ए लीड में एज ए हीरो कर रहा हूँ मैं। मेरी तो पहली फिल्म है, बट अंजना सिंह तो बहुत सारी फिल्में की हैं, वो तो भोजपुरी की सुपरस्टार हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करने का, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है। गाने की बात करें, कौन सा गाना फिल्माया जा रहा है? अगर बात जी, एक ये रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा अच्छा सॉन्ग है, ये ड्यूट सॉन्ग है ये। अंजना के हिसाब से आप काफ़ी नए हैं और अंजना भी नए तो नहीं? जी जी जी, क्या कहना है, काम करके? मैं एकदम नया हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है। कैसा लगा? अंजना जी बहुत अच्छी हैं और नेचर भाई भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि एक स्टार में होता है कि एटीट्यूड घमंड ये वो, बट उनमें ऐसा कुछ नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी पहली फिल्म है और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काफ़ी पहले से जानता हूँ, मैं बहुत काम कर चुका हूँ उनके साथ, मतलब अच्छा लगता है उनके साथ। इसकी एक रोमांटिक लव स्टोरी है, एक्शन एक्शन रोमांटिक लव स्टोरी है, एक रिच ठाकुर की दबंग बेटी दिखाई है ये, मतलब एक बहुत ही बड़े घर की बेटी दिखाई है जो, और उनके जो फादर है कुणाल सिंह, वो एक बहुत ही बड़े उस गांव के ठाकुर दिखाए हैं जिनके उस गांव में किसी को हक नहीं है प्यार करने का। हाँ सर, भोजपुरी से तो अपनी मातृभाषा समझ लीजिए, या कहे जाए, बोला जाए कि हम बिहार यूपी से हम, मैं यूपी से हूँ, आगरा से हूँ मैं, और अच्छा लगता, काफ़ी लोग हैं अपने। सेट की बात करें, कितनी मस्ती चल रही है सेट पे? जी जी, बहुत 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 मस्ती चल रही है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है, बीच पे हम लोग ये शूट कर रहे हैं यहाँ पे, अंजना सिंह काफ़ी मस्ती करती रहती हैं, काफ़ी सबको एंटरटेन करती है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर।